जनपद में शनिवार को जिला अस्पताल सहित अन्य केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के 797 और 45 साल से ऊपर के 2455 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वाले में 1854 और सेकेंड डोज लेने वाले में 601 लोग शामिल रहे। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन को लेकर सुबह 10 बजे से ही अस्पताल में नागरिकों ने सोशल डिस्टेंस के साथ लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन कराकर टोकन लिया। शनिवार के वैक्सीनेशन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर नागरिकों ने कहा कि वैक्सीनेशन से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। उन्होंने कहा, देश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, यह देश हित में भी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीकाकरण कराने वाले नागरिकों ने कहा, मेरा नाम संतोष कुमार यादव है। अच्छा लगा, सरकार की मुहिम अच्छी है। इंतजार तो काफ़ी दिनों से कर रहे थे, बट 4-5 दिनों से लगातार कोशिश करते हुए आज कामयाबी मिल गई, आज लग गई वैक्सीन। नहीं कोई दिक्कत, अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि सरकार का साथ दें, सबका ध्यान रखें और सारे लोग वैक्सीनेशन कराएँ, सारे लोग। मेरा नाम है मंतोष कुमार यादव। वैक्सीनेशन कराओ के बहुत अच्छा लग रहा है और ये एक अलग सी खुशी हो रही है कि वैक्सीन लगने के बाद से इतना तो सिक्योर हो गए हैं कि कोरोना से अगर आदमी इन्फेक्टेड हो भी जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा मतलब उससे प्रभावित होने की संभावना कम रहेगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन सभी लोग लगवाएँ, वैक्सीन लगवाना अपने हित में है, सरकार का साथ दें, क्योंकि जिस तरीके से बीमारी बढ़ रही है वैक्सीन लगवाने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। वैक्सीनेशन का इंतजार तो मैं 29 तारीख को मैंने 29 मई को 29 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद से इंतजार कर रहा था कि अब स्लॉट मिल जाए और भगवान की कृपा से आज स्लॉट मिल भी गया और वैक्सीन लगवा के बहुत खुशी हो रही है मुझे। अन्य लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि आगे जैसा कि हमने सुना है तीसरी लहर आने वाली है, तो उससे बचने के लिए भी जो है वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। और तो मेरी सबसे यही निवेदन है कि आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। मेरा नाम डॉक्टर प्रेम प्रकाश मिश्र है। आज आपका वैक्सीनेशन किया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा वैक्सीनेशन करा के। कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे? अरे करीब 10 दिन से, जब से शुरू हुआ है वो कर रजिस्ट्रेशन उसी दिन से हमने किया है 1 मई से, लेकिन अभी जाकर नंबर आ पाया। अन्य लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक नहीं करवाए? जो लोग नहीं कहें उनसे रिक्वेस्ट यही है कि वो अपना वैक्सीनेशन अधिक से अधिक जल्द से जल्द कराने का प्रयास करें। दीपमाला मिश्रा। बहुत ही अच्छा लगा, ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, इसका हम सभी को फ़ायदा उठाना चाहिए और जल्द से जल्द मेरा निवेदन है सभी से कि ये टीकाकरण का फ़ायदा जल्दी से जल्दी सब उठाएं। मैं काफ़ी दिनों से, जब से मैंने सुना कि 45 साल से ऊपर के लोगों का ये वैक्सीकरण हो रहा है, तब से मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब से हम लोगों की चांस आएगा और हम लोगों को जल्दी से जल्दी टीकाकरण हो पाएगा।
अन्य लोगों से यही कहेंगे कि इस सरकार की इस सुविधा का लाभ आप अवश्य से अवश्य उठाएं, इससे आपका फायदा है, आपकी पूरी फैमिली का, अपने बच्चों का और हमारे पूरे भारत का, पूरे संसार का इससे फायदा है, इसलिए आप लोग ये वैक्सीनेशन अवश्य से अवश्य और जल्दी से जल्दी करवा सकें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अनुराग कुमार नाम है। बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी जिम्मेदारियों का जो था मेरे ऊपर वो निर्वहन हुआ। नहीं, कितने दिनों से नहीं, कल अपॉइंटमेंट बुक किया और आज ये नंबर आ गया और अपॉइंटमेंट आज का मिला था तो अच्छा लगा। अन्य लोगों से है कि वो सरकार का साथ दें और जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करा के कोरोना से, इस महामारी से लड़ने में सबका सहयोग करें।